दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए अब फरीदाबाद के दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एसीपी रतन सिंह बाली ने बताया कि इस दौरान केवल जरूरी सामान वाले वाहनों को ही आवाजाही की छूट रहेगी। बाहर काम करने वाले फरीदाबाद के लोगों को भी इस दौरान आवाजाही में छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बॉर्डर की चेक पोस्ट और पुलिस नाका पर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। आने जाने की परमिशन जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनको परमिशन है। या किसी के पास इंटरस्टेट पास है, किसी के पास अपना होम मिनिस्टर की कोई परमिशन है या कोई मेडिकल ग्राउंड है, वो लोग डेली आ जा सकते हैं। जो लोग डेली फरीदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से फरीदाबाद आके सर्विस कर रहे थे, जैसे नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंक कर्मी हैं और कोई हरियाणा स्टेट के या दिल्ली के कर्मचारी हैं, उनकी आवाजाही टोटल जो है बंद कर दी गई। स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? स्क्रीनिंग तो उनको रोक के पास चेक किया जाता है। बाकी अब आदेश हो गए डीसी साहब के कि स्क्रीनिंग के लिए भी यहाँ बंदा लगाया जाएगा, उसकी हर आदमी की स्क्रीनिंग करके जो है उसको एंट्री दी जाएगी। बताया जा रहा है वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फिलहाल तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी है, लेकिन स्क्रीनिंग के अभी आदेश हुए हैं तो आज या कल में से स्क्रीनिंग का भी कोई बंदा जो है यहाँ पे लग जाएगा। तो ये सख्ती कब तक चलने वाली है? अभी तक तो 3 मई तक आदेश है, उसके बाद जैसे आगे आदेश आएंगे उसके हिसाब से जो है कार्रवाई की जाएगी। भारत 9 के लिए फरीदाबाद से प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।